हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। आज हम यहाँ रेडमी नोट 5 प्रो का कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं एमआई A2 के साथ। अगर हम यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रेडमी नोट 5 प्रो में आपको 12+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप रियर में मिल रहा है और 20 MP का सिंगल कैमरा फ्रंट में मिल रहा है, जबकि एमआई A2 में आपको 20+12 MP का डुअल कैमरा सेटअप रियर में मिल रहा है और 20 MP का सिंगल कैमरा फ्रंट में मिल रहा है। दोनों का ही कैमरा सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है और अलग अलग तरह से वर्क करता है। जब आप एमआई A2 से पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस कैप्चर करेंगे तो ये 20 MP की इमेजेस कैप्चर करेगा, और जब आप नॉर्मल इमेजेस कैप्चर करेंगे तो ये डे लाइट में 12 MP की इमेजेस कैप्चर करता है और ये कैमरे को स्विच करता जाता है। अगर हम यहाँ मैक्रो मोड या फिर कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैक्रो मोड और कलर रिप्रोडक्शन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट का मैक्रो शॉट लिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशंस हमें मिली जहाँ दोनों ने लगभग सिमिलर तरह से इमेजेस कैप्चर करी, यानी आप दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं दोनों ही काफी अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को परफेक्टली डिटेक्ट करके बैकग्राउंड को ब्लर कर रहे हैं, यानी परफेक्ट मैक्रो शॉट ले रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं गई ऑब्जेक्ट को फोकस करके इमेजेस कैप्चर करने में। हालांकि रेडमी नोट 5 के मुकाबले आपको एमआई A2 के मैनुअल कंट्रोल में मैनुअल फोकस का ऑप्शन मिल रहा है और साथ में आपको एमआई A2 के दोनों लेंस को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आप नॉर्मल या फिर प्राइमरी लेंस का यूज करके इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप 20 MP के लो लाइट लेंस का यूज करके मैनुअल मोड से इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, और साथ में मैनुअल फोकस कंट्रोल के थ्रू आप काफी अच्छे मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं कंपैरिजन वाइज रेडमी नोट 5 प्रो के। उसके अलावा दोनों ही यहां पे काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। अगर मैं यहां डिफरेंस की बात करूं तो कलर रिप्रोडक्शन का ही हमें डिफरेंस देखने को मिला। डिटेल दोनों ही काफी अच्छी कैप्चर कर रहे थे, लेकिन सैचुरेशन लेवल बढ़ा के एमआई A2 ज्यादातर इमेजेस कैप्चर कर रहा था एज कम्पेयर रेडमी नोट 5 प्रो। आप देख सकते हैं रेडमी नोट 5 प्रो की कुछ इमेजेस फेड होती नजर आ रही है एज कम्पेयर एमआई A2, जबकि एमआई A2 यहाँ पे सैचुरेशन लेवल बढ़ा के इमेजेस कैप्चर कर रहा है, और यही डिफरेंस हमें प्राइमरी कैमरे में देखने को मिला। उसके अलावा दोनों ही काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। हालांकि कुछ ऐसी सिचुएशन भी हमें मिली जब एमआई A2 में येलो स्टेंट का इशू हमें देखने को मिला, जबकि रेडमी नोट 5 प्रो सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर रहा था। इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन भी मिली जहां रेडमी नोट 5 प्रो को स्ट्रगल करना पड़ा येलो कलर और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने में। आप देख सकते हैं येलो और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था, ग्रीन कलर को कुछ फेड करता हुआ नजर आ रहा था, जबकि एमआई A2 इस सिचुएशन में काफी एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस करता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम यहाँ डायनेमिक रेंज बैलेंस की बात करें तो डायनेमिक रेंज बैलेंस दोनों लगभग सिमिलर तरह से कर रहे थे, यानी दोनों में ही आपको एक्सपोजर कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा था कि आपको ऑब्जेक्ट में कितनी ब्राइटनेस लेवल रखना है इमेजेस कैप्चर करते टाइम, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही डायनेमिक रेंज को लगभग सिमिलर तरह से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे, काफी अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहे हैं और परफेक्ट इमेजेस कैप्चर करते हुए नजर आए इन सिचुएशंस में। इसके अलावा अगर हम यहाँ कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो कलर रिप्रोडक्शन में भी हमें कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, या ये बोले दोनों ही बहुत एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कलर्स के बीच में डिफरेंस परफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला दोनों के कलर रिप्रोडक्शन में, यानी ओवरऑल बोले तो ओवरऑल दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था मैक्रो मोड और कलर रिप्रोडक्शन टेस्ट में। इसके बाद अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में आपको दोनों ही मोबाइल में नॉर्मल पोजीशन से फुल रेजोल्यूशन की इमेजेस कैप्चर करने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी आप रेडमी नोट 5 प्रो से 12 MP की इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में, जबकि एमआई A2 में जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड स्विच करेंगे 20 MP का कैमरा एज अ प्राइमरी कैमरा वर्क करने लगेगा और ये जो पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस कैप्चर करेगा उसका रेजोल्यूशन 20 MP का होगा, यानी रेजोल्यूशन में डिफरेंस देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा रेडमी नोट 5 प्रो और एमआई A2 के। इसके अलावा हमने दोनों ही मोबाइल से काफी डिफरेंट कंडीशन काफी डिफरेंट सिचुएशंस में इमेजेस कैप्चर करी हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस हमें मिली जहां दोनों ने लगभग सिमिलर तरह से पोर्ट्रेट मोड कैप्चर किया है, यानी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करी है, बैकग्राउंड को ब्लर किया है और साथ में एज डिटेक्शन भी बहुत एक्यूरेट है इन कंडीशंस में, और कलर रिप्रोडक्शन में भी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहां दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छे से टक्कर दी है और साथ में डिटेल भी काफी अच्छी कैप्चर करी और इमेजेस भी काफी अच्छी कैप्चर करते हुए नजर आए। इसके बाद हम और आगे इमेजेस कैप्चर करते चले गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट होता नजर आया। सबसे पहले अगर हम यहाँ शार्पनेस की बात करें तो Redmi Note 5 Pro की 9.6.3 अपडेट के बाद ये स्किन टोन को सॉफ्ट रख के इमेजेस कैप्चर कर रहा है, यानी आप देख सकते हैं कंपैरिजन वाइज एमआई A2 के Redmi Note 5 Pro में स्किन टोन सॉफ्ट हो रही है, जबकि एमआई A2 यहाँ पे शार्पनेस के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा है। अब ये पूरी तरह आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको थोड़ी सी सॉफ्ट इमेजेस अच्छी लग रही है या फिर शार्प इमेजेस अच्छी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा
अलावा कलर रिप्रोडक्शन में भी हमें डिफरेंस देखने को मिला। अगर हम यहाँ डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में दो तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली। एक सिचुएशन थी जब Redmi Note 5 Pro वार्म टोन में इमेजेस कैप्चर कर रहा था एज कम्पेयर MIA2 यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल बढ़ा के इमेजेस कैप्चर कर रहा था, लेकिन कंपैरिजन वाइज आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro ज्यादा वार्म टोन में था। जबकि कुछ ऐसी सिचुएशन भी हमें डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में मिली जब MIA2 थोड़े वार्म टोन में इमेजेस कैप्चर कर रहा था और Redmi Note 5 Pro थोड़े कूल टोन में था। यानी कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली दोनों के पोर्ट्रेट मोड में डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन। हालांकि MIA2 की कुछ सिचुएशन में हमें येलो स्टेन भी देखने को मिला, जबकि Redmi Note 5 Pro इन सिचुएशन में कूल टोन में इमेजेस कैप्चर करता हुआ नजर आया। यानी कंडीशन चेंज करने के हिसाब से दोनों के एल्गोरिदम अलग अलग तरह से वर्क करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन का ही हमें मेजर डिफरेंस देखने को मिला। उसके अलावा अगर डिटेल कैप्चर करने की बात करें तो एक्स्ट्रा मेगापिक्सल MIA2 को हेल्प कर रहे हैं ज्यादा डिटेल कैप्चर करने में, कंपैरिजन वाइज ज्यादा डिटेल कैप्चर करने में। हालांकि दोनों ही काफी अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहे हैं, इनफ डिटेल है इमेजेस के हिसाब से। उसके बाद जब हम रेड कलर की शर्ट या टी शर्ट के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो आप देख सकते हैं MIA2 रेड कलर को थोड़ा सा फेड करता हुआ नजर आया, जबकि Redmi Note 5 Pro इन कंडीशन में रेड कलर को सैचुरेट कर रहा था और काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहा था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एज डिटेक्शन एल्गोरिदम की बात करें तो एज डिटेक्शन एल्गोरिदम दोनों का ही काफी एक्यूरेट है। यानी कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ काफी इमेजेस कैप्चर करी लेकिन हमें बहुत ही रेयर कंडीशन में नॉइज देखने को मिली। यानी कि आपको 100 में से 95 इमेजेस में नॉइज देखने को नहीं मिलेगी, 5 इमेजेस ऐसी हो सकती है जिनमें आपको नॉइज देखने को मिल जाए, और दोनों ही काफी एक्यूरेट एज डिटेक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो Redmi Note 5 Pro ऑब्जेक्ट के सामने जितना भी पार्ट होता है उसे फोकस कर लेता है और बैकग्राउंड को ब्लर करता है, जबकि MIA2 में सिर्फ ऑब्जेक्ट फोकस होता है, आगे और पीछे जितना भी पार्ट होता है वो ब्लर हो जाता है। यानी आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं, कुछ इस तरह का डिफरेंस है दोनों के एल्गोरिदम में बैकग्राउंड को ब्लर करने की। अगर हम यहाँ डायनेमिक रेंज कंट्रोल की बात करें तो डायनेमिक रेंज कंट्रोल वैसे तो ज्यादातर सिचुएशन में दोनों ही सिमिलर तरह से कर रहे थे, लेकिन कुछ कंडीशंस में आप देख सकते हैं MIA2 ऑब्जेक्ट की डिटेल ज्यादा कैप्चर कर रहा था या ऑब्जेक्ट में ब्राइटनेस लेवल ज्यादा रख के इमेज कैप्चर कर रहा था, जिससे बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज जरूर हो रहा था लेकिन कंपैरिजन वाइज आप देख सकते हैं ज्यादा अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहा था इन सिचुएशंस में। यहाँ पे 1080p 30fps में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और स्टेबलाइजेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो MIA2 में आपको 4K तक वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे कमेंट करके आपको बताना है कि कौन ज्यादा अच्छी है फुटेज कैप्चर कर रहा है, यानी कोई डिफरेंस है कि नहीं। स्क्रीन पे तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है, थोड़े से येलो स्टेंट या फिर वार्म टोन में मुझे MIA2 की फुटेज दिख रही है, ये मोबाइल स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे 1080p 30fps में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं MIA2 और Redmi Note 5 Pro से, तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि कौन ज्यादा अच्छा यहाँ पे फुटेज कैप्चर कर रहा है। अगर मैं यहाँ डायनेमिक रेंज की बात करूं के बाद, अगर हम यहाँ लो लाइट या आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो जब लाइटिंग कंडीशन काफी अच्छी थी तो यहाँ दोनों ही परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे और एज डिटेक्शन भी दोनों का बहुत एक्यूरेट था और साथ में डिटेल भी काफी अच्छी कैप्चर कर रहे थे। पोर्ट्रेट मोड हो या नॉर्मल मोड हो, आप देख सकते हैं दोनों ही काफी अच्छी तरह एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। फिर जैसे जैसे हम आगे इमेजेस कैप्चर करते गए हमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता नजर आया। जब हम येलो लाइट कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो यहाँ पे Redmi Note 5 Pro कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा था, जबकि आप देख सकते हैं MIA2 यहाँ पे थोड़े से कूल टोन में इमेजेस कैप्चर करता हुआ नजर आया एज कम्पेयर Redmi Note 5 Pro। उसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन भी मिली जहां येलो स्टेन का इशू साफ साफ MIA2 पे दिखा।
इसके बाद जैसे जैसे हम लो लाइट कंडीशन की ओर बढ़ते जा रहे थे, आप देख सकते हैं एम आई ए टू काफी अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहा था और पोर्ट्रेट मोड में डेप्थ ऑफ फील्ड भी परफेक्ट क्रिएट कर रहा था, जबकि रेडमी नोट 5 प्रो को इन कंडीशंस में स्ट्रगल करना पड़ रहा था। यानी अगर हम ओवरऑल बोले तो ओवरऑल एम आई ए टू की परफॉर्मेंस लो लाइट या आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में कंपेरिजन वाइज ज्यादा अच्छी हमें लगी। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं 1080p 30fps में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन है जो परफेक्ट सिचुएशन है दोनों के बीच में आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ आपको कमेंट करके बताना है स्टेबलाइजेशन के साथ साथ कौन ज़्यादा अच्छी फुटेज कैप्चर कर रहा है और कौन ज़्यादा अच्छे से कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद अगर हम यह फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में दोनों ही काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर करते हुए नजर आए डिफरेंट कंडीशंस में। अगर हम यह आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियल कंडीशन में आप देख सकते हैं दोनों ही काफी अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहे हैं और पोर्ट्रेट मोड में काफी अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। दोनों में ही आपको 20MP का सिंगल कैमरा फ्रंट में मिल रहा है विद डेडिकेटेड फ्लैश। फिर जैसे जैसे हम आगे इमेजेस कैप्चर करते चले गए हमें दोनों के बीच में ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला जब कंडीशन अच्छी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी तरह टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जब हमने डायनेमिक रेंज बैलेंस करके इमेजेस कैप्चर करी तो आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड में तो ये काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर करें, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में कुछ सिचुएशन में MI A2 की इमेज फेड होती नजर आई और कुछ सिचुएशन में रेडमी नोट 5 प्रो की और कुछ सिचुएशन में रेडमी नोट 5 प्रो की इमेज फेड होती नजर आई। अगर ओवरऑल बोले तो फ्रंट कैमरे का ओवरऑल कंपैरिजन टाई रहा, यानी यहां दोनों ने ही काफी अच्छी तरह परफॉर्म किया और एक दूसरे को टक्कर दी है। अब हम यहाँ पे 1080p 30fps में फ्रंट कैमरे से वीडियो फुटेज कैप्चर कर रहे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि कौन ज्यादा अच्छी फुटेज यहाँ कैप्चर कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए कि फ्रंट कैमरे में क्या आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। दोनों में ही आपको 20MP का सिंगल फ्रंट कैमरा मिल रहा है जो 1080p तक सपोर्ट करता है वीडियो कैप्चर करने में। अगर हम यह स्टेबलाइजेशन बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं मैं मोबाइल से काफी दूर हूँ तो ऑडियो किस तरह की रिकॉर्ड कर रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं मोबाइल के रेयर कैमरे के सामने हूँ, यानी कि दोनों मोबाइल के पीछे हूँ, तो ऑडियो में किस तरह की चेंजेस आ रही है ये भी जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर हम ये डायनेमिक रेंज बैलेंस करने की बात करें तो डायनेमिक रेंज बैलेंस स्क्रीन पर तो दोनों ही फास्ट कर रहे हैं, यानी आप देख सकते हैं डार्क से जो लाइट शेड में आने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको कमेंट करना है, जज करना है और कमेंट जरूर कीजिए। अगर हम यहाँ ओवरऑल बोले तो ओवरऑल दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छी तरह टक्कर दी है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या Redmi Note 5 Pro ने MI A2 को टक्कर दी है कि नहीं दी है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DYJ World।